हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज सीबीएसई 11th क्लास का सेशन शुरू हो चुका है। उन सभी स्कूलों में जो स्कूल्स 12th तक थे या फिर जो स्कूल सिर्फ 10th तक थे और बच्चों ने शिफ्ट किया, तो आज बच्चों की पहली क्लास हुई। और पहली क्लास के साथ ही मैं आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ आपके इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर। आपका कोर्स चेंज हुआ है, जो लास्ट ईयर कोर्स था उससे थोड़ा बहुत चेंज है, और इस वीडियो में मैं आपके साथ वही डिस्कस करूंगा कि इस साल आपका सिलेबस क्या होगा। बात करें हम सिलेबस चेंज होने की, तो ये आप लोगों के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छी न्यूज होगी। और इस सेशन में यानी कि 2018 से 2019 तक आपको क्या पढ़ना होगा, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के लिए गुड न्यूज है कि इस बार आपका 11th क्लास में कोई भी नोवल नहीं होगा। जो लास्ट सेशन में नोवल यूज होते थे, अब वो नोवल्स आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो सबसे अच्छी न्यूज तो मुझे ये लगी, क्योंकि सिर्फ एक 5 या 10 नंबर के लिए हमें एक अलग से सेपरेट बुक पढ़नी पड़ती है, और जिसमें भी हमें किसी चीज की एश्योरिटी नहीं होती कि हमारा क्वेश्चन कहां से आएगा। तो ये मुझे सबसे अच्छी न्यूज लगी आप लोगों के लिए। और अगर नोवल डिडक्ट किया गया तो उसके जगह हमारे पास क्या चीज होंगी, तो कुछ नए चैप्टर्स ऐड किए गए हैं, वो कौन से आइए देखते हैं। आपके पास 11th क्लास में दो बुक्स होंगी, पहली होगी हॉर्नबिल, दूसरी होगी स्नैपशॉट। तो बात करते हैं पहले हॉर्नबिल की, कि लास्ट ईयर तक आपके हॉर्नबिल से कितने चैप्टर आया करते थे। आपके हॉर्नबिल से 5 चैप्टर आया करते थे, जिनके नाम मैंने आपके सामने मेंशन किए हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, डिस्कवरिंग टट, द एलिंग प्लैनेट एंड द ब्राउनिंग वर्जन। ये थे आपके जो 5 चैप्टर लास्ट ईयर तक आपके आते थे। अब बात करते हैं कि जो चैप्टर्स आपके एड ऑन किए गए हैं। सबसे पहला चैप्टर जो आपका एड हुआ है, लैंडस्केप ऑफ द सॉल, सेकंड द एडवेंचर, थर्ड द सिल्क रोड। ये 3 चैप्टर आपके हॉर्नबिल में एड किए गए हैं, और टोटल अब आपके हॉर्नबिल में हो गए हैं 8 चैप्टर्स। अब बात करते हैं हॉर्नबिल की पोएट्री सेक्शन की, हमारे साथ पोएट्री सेक्शन में क्या क्या चीजें चेंज की गई हैं। पोएट्री सेक्शन में अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो हमारे पास 4 चैप्टर हुआ करते थे, अ फोटोग्राफ, द वॉइस ऑफ द रेन, चाइल्डहुड, फादर टू सन। और इस सेशन में आप लोगों के लिए क्या चैप्टर्स ऐड किए गए हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो पोएट्री सेक्शन में इस बार सिर्फ आपके लिए एक ही चैप्टर ऐड हुआ है, जिसका नाम है द लेबनन टॉप, यानी कि अब आपके पास टोटल 5 चैप्टर होंगे। ये हुआ आपका हॉर्नबिल का सेक्शन। अब हम बात करते हैं स्नैपशॉट बुक के बारे में, कि स्नैपशॉट बुक में हमारे पास क्या चैप्टर्स ऐड ऑन हुए हैं। स्नैपशॉट के चैप्टर डिस्कस करने से पहले आप लोगों के लिए एक जरूरी बात, इंग्लिश का कोर्स मैं अपने चैनल पर पहले से ही शुरू कर चुका हूं, और आप लोगों के लिए कुछ चैप्टर्स प्रोवाइड करा चुका हूं, और अब वो चैप्टर्स रेगुलर बेसिस पर आप लोगों के सामने होंगे। अगर आपको किसी चैप्टर की पीडीएफ चाहिए समरीज की या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो आप ये नंबर सेव कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर। और आपको जिस भी वीडियो का पीडीएफ फाइल चाहिए, आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर वो शेयर कर सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा जहां से आप डायरेक्टली उस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस ईमेल आईडी को भी अपने पास सेव रख सकते हैं, आप मुझे इस ईमेल आईडी पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपने पास इन दोनों डिटेल्स को सेव रखिए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकें। तो चलिए अब बात करते हैं हम स्नैपशॉट की। लास्ट ईयर तक आप लोगों की स्नैपशॉट की बुक में सिर्फ 7 चैप्टर्स होते थे, जिनके नाम थे द समर ऑफ अ ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस, द एड्रेस, रंगाज मैरिज, अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, मदर्स डे, बर्थ, और लास्ट चैप्टर था द टेल ऑफ मेलन सिटी। और इस साल आप लोगों के लिए क्या चैप्टर्स एड ऑन हुए वो भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। स्नैपशॉट में सिर्फ आपका एक ही चैप्टर एड ऑन हुआ है, जिसका नाम है द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। तो ये थे आपके टोटल चैप्टर्स जो एड ऑन हुए नोवेल की जगह। एक बार लास्ट ओवरव्यू करते हैं, तो इस साल आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। हॉर्नबिल में आपकी टेक्स्ट बुक में होंगे 8 चैप्टर, पोएट्री में होंगे 5। वहीं स्नैपशॉट की बात करें तो टोटल आपके पास होंगे 8 चैप्टर्स। ये है आपका इस बार का कोर्स, और ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज डेफिनेटली है, क्योंकि अब आपको नोवेल नहीं पढ़ना, जिसमें आपका टाइम भी वेस्ट होता था और सिर्फ क्वेश्चंस का हम आइडिया भी नहीं लगा सकते कि क्वेश्चन कहां से आएगा। और आप इंग्लिश के लिए बेफिक्र रहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को हर एक चीज आपको इसी प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कराऊंगा। आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए, और मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपने पास सेव रखिएगा। अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, डेफिनेटली आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच।